जब भी हम अपने से कम एज के लोगों को देखते हैं और वो एक सफल व्यक्ति हैं, मतलब कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर चुके हैं, एक अच्छा बैंक बैलेंस, एक अच्छा घर, एक अच्छा बिजनेस या एक अच्छी जॉब, जो वो अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते थे वो सब कुछ उनके पास है, और जब हम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करते हैं तो हमें अपने ऊपर शर्म आने लगती है। ऐसा सोचने लगते हैं कि हम कितना पीछे रह गए, ये दुनिया हमसे कितनी आगे निकल गई है, और कभी कभी थोड़ी जलन भी होने लगती है। एक क्वेश्चन बार बार हमारे अंदर उठता रहता है कि ऐसा क्यों, मेरे को 30 साल की उम्र में एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाई और उसने 19 साल की उम्र में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, आखिर ऐसा क्यों। बार बार यही सवाल हमें सताता रहता है। इस सवाल को अपने दिमाग में लाने से पहले ये याद रखिए, इस दुनिया में सब अपने टाइम जोन के मुताबिक चलते हैं। हर किसी की जिंदगी की दौड़ एक निश्चित टाइम जोन के मुताबिक स्टार्ट होती है। इस दुनिया में ना आप किसी से आगे हैं और ना आप किसी से पीछे हैं, आपका भी खुद का एक टाइम जोन है और आप उसी के मुताबिक चल रहे हैं। टाइम जोन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि किसी ने 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसे पहली नौकरी पाने में 5 साल का समय लग गया। कोई 25 साल की उम्र में बड़े उद्योग का मालिक बन गया और 50 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। कोई 50 साल की उम्र में बड़े उद्योग का मालिक बना और 95 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई। किसी की शादी 20 साल की उम्र में हो गई और कोई 30 साल की उम्र में भी अविवाहित है। ओबामा 55 साल की उम्र में रिटायर हुए और ट्रंप ने 70 साल की उम्र में राजनीति में कदम बढ़ाया। बस इसी तरह इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने खुद के टाइम जोन के मुताबिक आगे बढ़ता है। अगर आपकी उम्र इस समय 30 से 35 साल के बीच है और आपको अभी भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, तो ये सोचकर दुखी मत होइए कि आपकी उम्र बीत चुकी है, आप पीछे रह गए हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके टाइम जोन के मुताबिक आपको कामयाबी 37 साल की उम्र में मिले या 40 साल की उम्र में मिले। ऐसे कई एग्जांपल्स आपके सामने भी आए होंगे जिन्होंने कामयाबी 50 साल की उम्र में हासिल करी, कईयों ने 60 साल की उम्र में हासिल करी। रितेश अग्रवाल, जो कि ओयो रूम्स के फाउंडर हैं, 24 साल की उम्र में बिलियनेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गए थे। और वहीं निखिल कामत, जो कि जिरोदा के फाउंडर हैं, जो कि 34 साल की उम्र में बिलियनेयर्स की लिस्ट में शामिल हुए। ये हमारे वही टाइम जोन्स हैं जिसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप पीछे रह गए हैं तो दुखी मत होइए, और अगर कोई आपके पीछे रह गया है तो उस पर हंसिए मत। ना हम किसी से आगे हैं और ना किसी से पीछे। कामयाबी पाने की कोशिश हमेशा करते रहिए, और ये भी याद रखिए, कामयाबी उम्र देखकर नहीं, काबिलियत देखकर आपके पास आती है। बस यही कुछ बातें आज आपसे करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बने रहिए इंस्पायर मी के साथ, जल्दी मिलते हैं।